हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं मोबाइल को कैसे खोला जाता है और कैसे बंद किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि असेंबल और डिसेंबल कैसे किया जाता है। तो यहां मेरे पास कुछ मोबाइल हैं और इसमें से मैं एक मोबाइल ले रहा हूँ। ये देखिए, एक सैमसंग का मोबाइल है ये, और आज हम इसको ही असेंबल डिसेंबल करने वाले हैं। तो ये देखिए, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं कि पहले उनका फोल्डर ऊपर निकालना होता है। तो अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले आप YouTube सर्च कर सकते हैं, YouTube पर देख लीजिए कैसे मोबाइल को खोला जाता है। तो बहुत सारे वीडियो हमें YouTube पर मिल जाते हैं, तो मैं अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ मोबाइल को कैसे खोला जाता है और बंद किया जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मोबाइल या PC में ब्राउज़र ओपन करेंगे और सीधा गूगल पर हम सर्च कर लेंगे How to disassemble, और उसके बाद कंपनी का नाम लिखना है। मान लीजिए आपके पास सैमसंग है तो सैमसंग, और आपके पास ओप्पो है तो ओप्पो, वीवो है तो वीवो, और उसके बाद उसका मॉडल नंबर और लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक मॉडल लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, जैसे सैमसंग A21S। तो हम इसकी वीडियो सर्च करेंगे और ये देखिए, यहाँ पर सीधा YouTube खुल जाता है और बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मोबाइल को खोलने और बंद करने को टीयर डाउन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहले वीडियो आप देख पा रहे हो, ये भी मोबाइल को खोलना और बंद करने की वीडियो है। तो चलिए, अब हम इसको डिसेंबल कर लेते हैं। और इसके लिए हमें इसके बैक कवर निकालना होगा पहले, और बैक कवर निकालने के लिए इसको थोड़ा हीट करना होगा, और हीट करने के लिए आप टच सेपरेटर या फिर हॉट गन, जिसे असेंबली मशीन कहते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हीट करते समय ये याद रखना है कि ज़्यादा हीट ना हो, और हाथ से इस तरह से टच करके देखते रहेंगे। जब महसूस होने लगे कि हाँ गर्म हो गया, तब हम इसको निकालेंगे। इस टाइप के बैक पैनल जो होते हैं, कुछ में प्लास्टिक टाइप के आते हैं और कुछ में शीशे का होता है। तो शीशे वाला जो होता है वो ज़्यादा टूट जाता है, तो इसको बहुत सेफ्टी से निकालना होगा। अब देखिए, मैं इसको बार बार टच करके देख रहा हूँ कि हीट हुआ है या नहीं हुआ है, और हाथ कहीं भी रोकना नहीं है। अगर आपने रोका तो ये पिघल जाएगा। ये ओपनर आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही काफ़ी है। ये देखिए इस तरह से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको धीरे धीरे ही ओपन करें। तो ये देखिए, बैक निकल आया है इसका, और अब इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पेच लगे हुए हैं, छोटे छोटे पेच। तो इसको खोलने के लिए आपको देखना होगा कि कितने कट का है। ये देखिए, इसमें प्लस बना हुआ है, तो इसको हम T4 कहते हैं। अगर प्लस बना हुआ है पेच के ऊपर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, तो इसके लिए T4 पेच का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर चार कट होते हैं। ये देखिए, कुछ इस टाइप के भी आते हैं ये। तो इसको खोलने के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर आते हैं मार्केट में, आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
और मैं देखिए खोल के दिखाता हूँ आपको। पहले मैं सिंपल वाले पेचकस से ही खोल के दिखा रहा हूँ। इस टाइप के पेचकस से आप इसे खोल सकते हैं और ये लगभग 30-40 रुपए का आता है। एक हाथ से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से लगा करके घुमाएंगे। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर से पेच खोल के दिखाता हूँ दोस्तों। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक बटन है और इस तरह से ये खोला जाता है। तो दोस्तों पेच हमारे खुल चुके हैं और अब हम करेंगे इस बैक पैनल को ओपन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नीचे की साइड जिसमें जैक होता है इस साइड, यहाँ पर ओपनर को इस तरह से बॉडी में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों देखिए हमारा बैक पैनल निकल आया है और अभी देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक छोटा सा एक बोर्ड है और ये इसका पत्ता है और ये इसकी बैटरी है और ये जो वायर जा रहा है इसको हम नेटवर्क वायर कहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे ये वाइब्रेटर है और ये बैटरी का पत्ता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बैटरी का पत्ता निकालेंगे। पत्ते जितने भी लगे होते हैं उन सबको अलग करना होता है मदरबोर्ड को निकालने से पहले। पत्ते जितने भी होंगे सबको अलग कर लेंगे, अदरवाइज इस टाइप के जो पत्ते होते हैं वो टूट जाते हैं। ये पत्ते जो होते हैं टूट जाते हैं। साथ ही यहाँ देखिए कुछ पेच भी लगे हुए होते हैं तो इसको खोल लेंगे हम।
तो ये देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड है इसका, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि तीन कैमरे हैं और ये फ्रंट वाला कैमरा है। अब इसमें बसता है आपका नीचे वाला मदरबोर्ड। तो इस टाइप के जो पत्ते होते हैं आप या तो नाखून से निकालें, अदरवाइज प्लास्टिक के किसी ओपनर से निकालेंगे इसको। तो ये देखिए, अब इसमें पूरा ये निकल चुका है, बस एक बैटरी लगी हुई है। यहाँ इसका स्पीकर है और यहाँ इसका वाइब्रेटर है, और इधर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम पत्ता है, साथ ही यहाँ पे ऑन ऑफ भी है। तो दोस्तों, इसमें ये है नेटवर्क वायर, और ये है वाइब्रेटर, और ये बैटरी लगी हुई है, और यहाँ है इसका स्पीकर, और ये जो पत्ता नज़र आ रहा है आपको, ये टच और डिस्प्ले का पत्ता है, जिसको कॉम्बो का पत्ता कहेंगे या फोल्डर का पत्ता कहेंगे। तो फोल्डर कैसे निकाला जाता है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल आप ये देख लीजिए कैसे बंद होता है और कैसे खोला जाता है। तो आपने देखा अभी ये कैसे खोला, ये स्पीकर कैसे चेंज होगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा ये किस टाइप से चेंज किए जाएंगे, पार्ट निकाले जाएंगे और डाले जाएंगे। तो अब हम इसको पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका चार्जिंग वाला पत्ता, और इसमें लगा हुआ है चार्जिंग का एक सॉकेट, और ये इधर लगा हुआ है इसमें हेडफोन का सॉकेट, जिसको हेडफोन कनेक्टर कहते हैं, और यहाँ लगा हुआ है इसका माइक, छोटा सा आप देख पा रहे होगे, ये माइक है, ये देखिए माइक है। ये इसका चार्जिंग वाला सॉकेट है, जो कि डाटा केबल भी है, और OTG के लिए भी यहीं से वर्क होता है, सप्लाई जाती है आती है। और ये इसका हेडफोन, और इस साइड लगा हुआ है इसका पत्ते का कनेक्टर। तो ये देखिए, मैं इसको वापस लगा रहा हूँ। तो देखिए, हमने सक्सेसफुली इसको लगा दिया है, और अब हम पेच कस देंगे इसके अंदर। ये आप देख पा रहे होंगे बॉडी एकदम सेट हो गई है।
पेज को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। ये जो स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे हो दोस्तों, ये लगभग 2500 रुपये का आता है, और इससे पहले जो देख रहे थे आप वो लगभग 30-40 रुपये का आता है। तो शुरुआत में आप सस्ता वाला ही यूज़ करें। मुझे पूरे दिन में बहुत सारे मोबाइल खोलने होते हैं, तो इसके लिए मुझे इस टाइप का प्रोफेशनल पेचकस यूज़ करना होता है। तो शुरुआत में आप सस्ता वाला ही लें, जैसे ये है। अब दोस्तों, इस टाइप के बैक कवर को चिपकाने के लिए आप ग्लू का यूज़ कर सकते हो, डबल टेप का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे ये वापस चिपकाना है आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा टेप चिपका हुआ है एक्स्ट्रा, तो इसको हम हटा लेंगे जिससे ये ऊंचा नीचा ना हो, जो भी मोटा फील हो उसको निकाल लेंगे। तो इस टाइप का एक ट्यूब आता है और इसे आप चिपका सकते हो, ये जलिंदा नाम से आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा चिपका देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा लगा दीजिए, बस इसी से चिपक जाएगा। अब देखिए, ये फिंगरप्रिंट है इसमें, तो इस फिंगरप्रिंट को हम यहाँ रखेंगे और इसको लगा देंगे। और इसके बाद ये बैक कवर लगा देंगे। बैक कवर अच्छे से चिपक गया है, इसके लिए हम इसके ऊपर रबड़ चढ़ा देते हैं। अब कुछ देर तक इसको सूखने देंगे, लगभग 10 मिनट में ये सेट हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा मोबाइल ओपन करके दिखाता हूँ। वो एक सैमसंग का मोबाइल था, ये एक MI का मोबाइल है, और पीछे इसका मॉडल नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पोको। तो सबसे पहले हम सिम कनेक्टर वगैरह निकाल लेते हैं। सिम कनेक्टर वगैरह हमेशा पहले निकाल लेंगे मोबाइल में से। अभी देखिए, इसका बैक कवर ऊपर नहीं होगा, यानी कि ये जो कवर था ये नहीं निकलेगा, बल्कि ये पूरा ही बाहर निकल के आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पेच यहाँ थे जो कि निकले हुए हैं। नया मोबाइल कोई भी आता है तो YouTube सर्च करना ही पड़ता है हम लोगों को कि वो कैसे खोलेगा, अदरवाइज मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर आपको काफ़ी दिन हो गए मोबाइल रिपेयरिंग करते हुए तो एक्सपीरियंस हो जाता है और मोबाइल देखते ही पहचान हो जाती है कि कहाँ से खुलेगा। दोस्तों एक दिन में कोई चीज़ नहीं आती है, बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आएंगी आपको। तो ये देखिए यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट का पत्ता है जो कि अंदर की तरफ लगा हुआ है, और ये देख आप देख सकते हैं यहाँ पर पेच लगे हुए हैं काफ़ी, तो इनको अब हम एक एक करके खोलेंगे। जो भी सामान है उसका एक ही जगह रखेंगे ताकि इधर उधर ना हो। तो ये देखिए पूरा सामान इसका यहाँ पर है, और अब आप बोर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इसका चार्जिंग कनेक्टर है, ये वाइब्रेटर है, और ये ब्लैक वाला जो है नेटवर्क वायर है जो यहाँ तक आ रहा है, और ये पत्ता है जो कि यहाँ की सप्लाई को यहाँ पर मदरबोर्ड तक पहुँचा रहा है। कोई भी कनेक्टर बोर्ड निकालते समय ना लगा हो बोर्ड में, इस बात का खास ख्याल रखें। तो ये देखिए इसमें ये वॉल्यूम का पत्ता है, ये पावर बटन कहलाता है, और ये दोनों वॉल्यूम वाले बटन है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। और ये बैटरी का पत्ता है, बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, और ये बोर्ड वाला पत्ता है जो नीचे की सप्लाई को ऊपर लेके आता है, और ये नेटवर्क वायर है, और यहाँ लगा हुआ है वाइब्रेटर, माइक इसके नीचे ही होता है यहाँ पर, और ये इसका स्पीकर है, ये आप देख पा रहे हो ये स्पीकर है कान पे जिस पे आवाज़ आती है कान में। और ये देखिए ये है इसका मदरबोर्ड, ये इसका फ्रंट कैमरा है, और इसमें दो फ्रंट कैमरे हैं, ये देखिए एक ये है और एक ये है, और बैक साइड अगर आप देखेंगे तो दो कैमरे हैं इसमें यहाँ पर। और ये इनको पत्रा कहते हैं, कुछ लोग पत्तियाँ कहते हैं। ये आईसी यहाँ पे इसके नीचे अंदर कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ आईसियाँ हैं जो कि धूल मिट्टी और वाट पानी से बचाती हैं पार्ट्सों को, तो इसलिए इसको लगाया जाता है। यहाँ पर भी पत्तियाँ लगी हुई हैं, और इसके नीचे कुछ माइक्रो कंपोनेंट या आईसियाँ होंगी, और ये आप देख पा रहे हो ये सिम कनेक्टर है, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी लगता है, और ये आप देख पा रहे हो ये है इसका हेडफोन कनेक्टर। फोल्डर कैसे निकलेगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो चलिए अब हम इसको पैक कर देते हैं वापस। इस टाइप के पत्तों को चिमटी से पकड़ के ना लगाएं, बल्कि हाथ से पकड़ के लगाएं, कोशिश करें कि हाथ से ही लगे वो, क्योंकि अगर ट्वीज़र
चिमटी को टीजर कहा जाता है, इस काफ़ी पैनी होती है और ये पत्ते वगैरह के अंदर लग सकती है, पत्ता को ख़राब कर सकती है। दोस्तों मोबाइलों में बहुत तरह तरह के पेच होते हैं, कहीं पर छोटे होते हैं, कहीं पर बड़े होते हैं। तो क्या होता है कि हम लोगों के पास एक रिपेयर मैट होती है और इसके अंदर यहाँ पर ये स्क्रू रखने के लिए होता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। तो जैसे कि आपने ये मोबाइल खोला यहाँ से, ये देखिए यहाँ से मोबाइल खोला, यहाँ का पेच निकाला तो आप इसको कोने में रख दीजिए, या बीच में से निकाला है तो बीच में रख दीजिए, ये साइड के दो हैं तो ये साइड से लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको पेचों का ध्यान रहेगा, स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही करना है, अदरवाइज़ अगर गलत पेच कसेंगे तो बॉडी को डैमेज कर सकता है और साथ ही फोल्डर को डैमेज कर सकता है, नीचे की साइड निकल आता है और ये शीशा होता है यहाँ पर जिसको हम टच या डिस्प्ले कहते हैं, तो ये टूट जाता है। तो पेच कसते समय ये खास ख्याल रखना है आपको कि गलत पेच ना कसें और जिस मोबाइल का जो पेच है उसी में कसें उसको। और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेच हैं, क्योंकि ये रिपेयर होने आया है यहाँ पर और किसी मैकेनिक से होकर के आया है, उसने यहाँ पर इसके पेच बदल दिए हैं। तो आप ध्यान रखें कि छोटे से छोटा पेच ही कसें, उसके अंदर ज़्यादा बड़ा पेच ना कसें। जब आप एक दो मोबाइल खोलेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे मोबाइल को खोला जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 4-5 मोबाइल लेने होंगे स्टार्टिंग में, जिसपे आप आराम से प्रैक्टिकल कर सकें। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही बड़े पेच हैं, मैं इनको नहीं कस रहा हूँ, इसकी जगह दूसरे पेच कसेंगे हम। सभी तरह के पेच मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये देखिए काफ़ी छोटा साइज़ का है, मैं इसी को कसूँगा इसके अंदर। और दोस्तों पेच हमारे कस चुके हैं यहाँ पर, और अब हम इसको पैक कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें रबड़ वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह से पैक हो चुका है। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी मोबाइल खोलने बंद करने में, तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल की उस पर असेंबल और डिसेंबल की वीडियो अपलोड कर रखी हैं लोगों ने। तो अब देखिए मैं एक कीपैड का मोबाइल आपको खोल करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये सभी मोबाइल ओके और ऑन है। तो चलिए अब हम इसको खोलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बैटरी निकालेंगे, अगर सिम वगैरह लगे हुए तो सिम वगैरह सब निकाल देंगे।
तो दोस्तों देखिए ये खुल चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको खोलेंगे तो हमें ये शुरुआत आप नीचे से ही करेंगे। यहाँ से आप ओपनर की सहायता ले सकते हैं। धीरे धीरे खोलना है, जोर नहीं लगाना है। अगर जोर लगाया तो टूट जाएगा बॉडी यहाँ पर। धीरे धीरे ही खोलना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाइब्रेटर लगा हुआ है यहाँ पर। ये वाइब्रेटर है जिससे कि वाइब्रेशन होता है, और ये इसका रिंगर और स्पीकर है। रिंगर से रिंगटोन की आवाज़ आती है और स्पीकर में कान पर आवाज़ आती है। और ये देखिए माइक है इसका। ये इसको पत्ते वाला माइक कहते हैं। ये इसका बैटरी कनेक्टर है और यहाँ पत्ती लगी हुई है, और इसके नीचे होगी इसकी आईसी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दो सिम कनेक्टर हैं, ये चार्जिंग सॉकेट है, और ये हेडफोन है। डिस्प्ले और कीपैड वाला हिस्सा बैक साइड है, तो इसके लिए हमें प्लेट को बाहर निकालना होगा। और ये देखिए यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं। ये लॉकों के अंदर प्लेट फंसी हुई है यहाँ पर, तो उसको धीरे धीरे ऊपर करेंगे। ये देखिए ऊपर हुआ। तो ये देखिए इसकी बॉडी है, और ये इसकी बैटरी। इसको बोलते हैं बबल पैड, और ये बबल पैड जो होता है इस तरह से छुट जाता है। और ये इसका छोटा सा डिस्प्ले है। ये इसका लॉक है जो कि बैक साइड है। ये आप देख पा रहे होंगे ये पत्ते वाली डिस्प्ले है जो कि शोल्ड है। यहाँ पर शोल्डिंग वाली डिस्प्ले कहते हैं इसको। ये इसका पत्ता है और ये इससे कनेक्टेड है। ये सारे पार्ट कैसे निकाले जाएंगे और डाले जाएंगे ये आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए एक और मोबाइल खोल के दिखाते हैं हम। ये भी एक सैमसंग का मोबाइल है। अगर आपको मोबाइल खोलना आता है, खोलना बंद करना, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ मोबाइल को खोलना और बंद करना ही बताया है। ये देखिए एक विदाउट फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल है, और ये इसका बैक कवर। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें पेच लगे हुए हैं। तो चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं।
ये आप देख पा रहे हो, ये है इसका रिंगर, रिंगर की डिब्बी बोलते हैं इसको। और ये इसका चार्जिंग पत्ता है, और यहीं पे लगा हुआ है वाइब्रेटर, और ये है इसका नेटवर्क वायर, और ये देखिए डिस्प्ले का पत्ता है जो कि ऊपर के लिए जा रहा है मदरबोर्ड के लिए, ये बैटरी का पत्ता है, और ये नेटवर्क वायर का दूसरा सिरा है। और देखिए इसमें कोई भी पत्ता कनेक्टेड नहीं है, तो हम मदरबोर्ड को ऊपर निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसका स्पीकर है, और ये इसका मदरबोर्ड है, ये इसका सिम कनेक्टर, ये फ्रंट कैमरा, और ये इसके दो बैक कैमरे हैं। ये कुछ चिप लगी हुई हैं जिनको हम आईसी कहते हैं। ये हेडफोन है, हेडफोन कनेक्टर। तो चलिए इसको वापस पैक कर लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा एक माइक है, ये देखिए छोटा सा एक माइक, ये इसका चार्जिंग कनेक्टर है। तो ये देखिए ये सेट पैक हो चुका है, पेच लग चुके हैं इसमें, और अब बैक कवर लगा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मोबाइल को खोलना बंद करना थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो पूरी तरह से अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और इसके लिए आपको 5-6 खराब मोबाइल या सही मोबाइल लेने होंगे और उस पर आपको प्रैक्टिकल करना होगा। कोई भी दिक्कत आए मोबाइल खोलने में बंद करने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब पर हाउ टू डिसेंबल मोबाइल का मॉडल नंबर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।